बिहार पुलिस सप्ताह के तहत दरभंगा में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जहां पे कई पुलिसकर्मी उसमें शामिल हुए। क्या उद्देश्य था और क्या इससे मैसेज समाज में जाएगा, इस पर विशेष जानकारी हम लेंगे। सर, क्या उद्देश्य था और किस उद्देश्यों के कारण इस मोटरसाइकिल रैली को निकाला गया है, आगे क्या इसकी पॉलिसी रहेगी? इसके बीच में सौहार्द बने और दोनों के बीच में जो दूरी है वो कम से कम हो, ये उद्देश्य है। किन किन क्षेत्रों में? पूरे दरभंगा में, हमारा तो दरभंगा के लिए हम लोग अभी किए, लेकिन ऐसे ही अभियान पूरे बिहार के लिए है। बिहार में 46,000 गांव है, मोटा मोटी सभी गांव को टच किया जा रहा है। वहां पम्पलेट दिया जाएगा, बातचीत किया जाएगा, उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा कि आप और इसमें क्या सुधार चाहते हैं, और डेली का डेली वो हम लोग कंपाइल कर करके हेडक्वार्टर भेजेंगे। ऐसा चिन्हित जगह जहाँ पर ये लोगों की ठहराव होगी, जहाँ लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, सभी गाँव में टच किया जाएगा। गाँव से 10-20 जो आदमी जो मिलेंगे उनसे बातचीत की जाएगी हर गाँव में। किस तरह का मोटिवेशन होगा उसमें? मोटिवेशन होगा कि आप पुलिस से कैसे संपर्क कर सकते हैं, अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो आप सोशल मीडिया के थ्रू कैसे कर सकते हैं, सब उसमें पम्पलेट में दिया हुआ है। इस रूप में है। दरभंगा में कब से कब तक चलेगी ये? 5 दिन पूरे बिहार में चलना है, तो दरभंगा में भी 5 दिन चलना है, जिसका आज से शुभारम्भ हुआ और ये 24 तक चलेगा। तो बिहार पुलिस दिवस के मौके पर यह मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है। इसके तहत जो गांव के सुदूर देहात के क्षेत्र है, जहां से जो कोई क्राइम की खबर होती है पुलिस प्रशासन के पास नहीं पहुंच पाती है जिला मुख्यालय में, तो किस प्रकार से वहां सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से उस चीज़ को पहुँचाया जाए, इसको लेकर के अवेयरनेस की ये प्रक्रिया चल रही है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से अभिनव कुमार।